16 फरवरी को होगा मेयर का चुनाव। एलजी ने दिल्ली सरकार के प्रस्ताव पर लगाई मुहर। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए एक बार फिर नई तारीख निर्धारित हो गई है। एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है, जिसमें 16 फरवरी को दिल्ली नगर निगम की बैठक बुलाने की मांग की गई है। एमसीडी चुनाव के बाद चौथी बार बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मेयर और डिप्टी मेयर समेत स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव होगा। इससे पहले 6 फरवरी को सदन में हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित हो गई थी और मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो सका था, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने एमसीडी से बातचीत के बाद 16 फरवरी को बैठक के आयोजन के लिए एलजी वीके सक्सेना को प्रस्ताव भेजा था। अब इस पर एलजी ने अपनी मुहर लगा दी है। बता दें कि दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे पिछले साल 7 दिसंबर को आ गए थे। एमसीडी चुनाव में आपने 134 सीटें जीती थी और एमसीडी में बीजेपी के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया था। बीजेपी को 104 सीटों पर जीत मिली थी। बता दें कि एमसीडी ने पहली बार 6 जनवरी को सदन में बैठक बुलाई थी, उसके बाद दूसरी बैठक 24 जनवरी को और महीने भर के अंदर ही तीसरी बैठक 6 फरवरी को बुलाई गई। हालांकि इन बैठकों में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के सदस्यों के हंगामे करने के चलते चुनाव नहीं हो सका और बैठक स्थगित कर दी गई। नियम के अनुसार मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव निकाय चुनावों के बाद होने वाले पहले सदन में होता है। बहरहाल नगर निकाय चुनाव हुए 2 महीने हो चुके हैं और दिल्ली को अभी मेयर मिलना बाकी है। इस बीच मेयर का चुनाव कराने के लिए आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें आपने याचिका में 5 मांगे रखी। आपकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एलजी, पीठासीन अधिकारी, निगम कमिश्नर और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। अब इस मामले में कोर्ट में 13 फरवरी को सुनवाई होगी। पहला, सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी के पद से हटाया जाए। दूसरा, एक हफ्ते के अंदर एमसीडी का सदन बुलाया जाए। तीसरा, मेयर चुनाव पूरा होने तक कोई स्थगन ना हो। चौथा, बाकी के चुनाव मेयर की अध्यक्षता में हो। पांचवा, नामित पार्षदों को वोट देने का अधिकार ना मिले। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हो, समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।